आंगनबाड़ी सेंटर जितने भी है मेरा, मतलब जमीन के अभाव में किसी का मतलब भवन नहीं बना है। जैसे सात आंगनबाड़ी है तो सातों आंगनबाड़ी रेंट पे चलता है। अच्छा, तो अगर उसके लिए अगर अतिरिक्त कोई जमीन कहीं पे मिल जाए तो उनके लिए बनाया जा सकता है। सरकार को अगर है जमीन कहीं वैसा तो उपलब्ध करा दी दिया। अभी आवास मिल रहा है तो जैसे 10 डिसमिल जमीन है सबके पास, तो मान लीजिए किसी के घर में 5 आदमी है तो 5 आदमी उनको डिवाइड कर दीजिए 10 जगह 10 डिसमिल को, तो 2 ही डिसमिल के आसपास हो। और वैसे में कभी आवास भी मिलता है तो लोगों का कहना है कि हम कहाँ बनाएंगे, तो शहरी क्षेत्र में तो ऊपर पिलर्स उठा लेते हैं, अगर यहाँ बनाते हैं तो ये बोला जाता है कि नहीं तब तो आप आवास लेने के लायक नहीं है, जबकि यहाँ है उस लायक लोग। अच्छा। जी तो जमीन का कमी है यहाँ। अगर मनरेगा से कुछ काम यहाँ मिल जाए पंचायत में तो लोगों को मतलब काम रोजगार भी मिल जाएगा। जी तो जो कार्ड बना है सो कार्ड बना का बना रह जाता है, सिर्फ आवास में लोग मतलब लेबर का काम कर पाते। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। बता दें कि जितने भी मुखिया हैं वो अपने कार्य योजनाओं को जो धरातल पर जो काम किए हैं उनको गिनाने का काम कर रहे हैं। तो अभी हम आए हुए हैं नगड़ी प्रखंड और पंचायत का बोले तो उत्तरी टुंडुल, और यहाँ के जो मुखिया हैं नीलम तिग्गा जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनको जनता ने 5 साल के लिए समय दिया था, इन 5 सालों में क्या कुछ इन्होंने विकास का काम किया है, महिलाओं के लिए कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, कितने लोगों को पेंशन दिए हैं, कितना राशन कार्ड बना है, ई श्रमिक कार्ड कितना बना है और आयुष्मान कार्ड कितना बना है, और सबसे महत्वपूर्ण कि इनके द्वारा जो 5 साल में जनता ने इनको समय दिया था तो इन 5 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक काम किया गया है, तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करते हैं। पहले तो वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। ये बताइए कि जनता आपको 5 साल के लिए समय दिया, इन 5 सालों में क्या कुछ आपकी उपलब्धि रही? इसमें मेरी उपलब्धि तो वही जैसा कि बाकी पंचायत जैसे करते हैं वैसे ही मेरा भी है, कोई खास जैसे महत्वपूर्ण जैसे कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा मकान मिला? प्रधानमंत्री आवास कम से कम 450-450 के आसपास हम लोगों ने दिया है। अच्छा, और राशन कार्ड कितना? राशन कार्ड लमसम 800 के आसपास है। 800 के लोगों जी। और कितने लोगों को वृद्धा पेंशन दी है, दिव्यांग विधवा पेंशन? वृद्धा दिव्यांग मिला के 150-200 के आसपास है। 150-200 के लगभग दिया है। अच्छा, ये बताइए कि शौचालय की क्या स्थिति, जो आपके पंचायत में लोग गरीब बुढ़वा हैं उन्हें कितना शौचालय बना होगा जो केंद्र सरकार की योजना जी? मेरे द्वारा टोटल शौचालय 838 जी टोटल 838 बनाए हैं। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि 5 वर्षों में आपने बहुत ही बेहतर काम किया है, जैसा कि आपने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन वाला, वृद्धा का जो है राशन कार्ड बनवाए, शौचालय बनवाए, इसके साथ साथ आप ये बताइए कि आपके द्वारा कोई ऐसा काम किया गया है जो आपको लगे कि जो पूर्व मुखिया नहीं किया, या जब झारखंड और बिहार से जब अलग हुआ तो इस दौरान आपके द्वारा जो काम किया गया, लोग आपका नाम युगों युगों तक ले कि नीलम जी के जो कार्यकाल जो था बहुत ही बेहतरीन था और ये सबसे उन्होंने स्पेशल काम किया जी। जी पूर्व मुखिया तो हम ही है सर, ये 10 साल से मुखिया हम ही। अच्छा, 10 साल से हैं लगातार? जी लगातार हैं। और भाई मतलब मेरे द्वारा वैसा कोई खास काम नहीं है, लेकिन मेरा खासकर ईमानदारी को लोग पसंद करते हैं, जिसके चलते शायद बार बार मौका मिल रहा है काम करने का। जी विशेष तो काम किया होंगे ना इस दौरान? विशेष काम तो देखिए सर हुआ है सिर्फ वही शौचालय वाला काम, जिसको हम कह सकते हैं गौर से कि हम काम किए हैं तो अच्छा लगा, क्योंकि मेरा पूरा वातावरण साफ हुआ, बहुत गंदगी रहता था, जब ODF घोषित हो गया तो बहुत अच्छा लगा, सम्मानित किया गया हम लोगों को। और वैसा कोई खास अभी तक वैसा कुछ नहीं किया, लेकिन अपने तरफ से तो कुछ कुछ सहयोग करते ही हैं, वो तो उसको तो खैर क्या बोले। अच्छा, झारखंड सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं विशेष, कि जैसा लगता है कि ये जो मुखिया का फंड है केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से जो मिलती है उससे आप अपने पंचायत का विकास बेहतर नहीं कर पाते हैं, आप चाहते हैं स्पेशल इस पंचायत में बेहतर करें, स्पेशल करें, तो झारखंड सरकार से क्या कुछ डिमांड करते हैं आप? जी तो मेरा पंचायत टोटल है ना जो कि डिस्प्लेस एरिया है, HSC विस्थापित क्षेत्र है, जिसमें सिर्फ मेरे पंचायत में प्रत्येक को सिर्फ 10 ही डिसमिल जमीन है,
तो उसमें कुछ लोगों का मतलब कि मालिकाना हक का जो रसीद कटा है बस उतना ही लोग का कटा है, बाकी लोग का भी बाकी मतलब है। गैर मजरूआ जो मालिकाना होता है। जी, गैर मजरूआ वाला जो मालिकाना हक जो रसीद होता है वो किसी का नहीं कटा है, मतलब किसी का नहीं कटा किसी है, का मतलब थोड़ा बहुत कटा है, थोड़ा बहुत 400 मतलब के जिनका जो 300 के मालिकाना, आसपास कटा है। 300 के जी जो जी तो मालिकाना गैर मजरूआ जी मालिक हाँ जो जी तो है। उनका मैं मांग करती हूँ कि कम से कम सबको 10 डिसमिल का जो मालिकाना हक होता है वो मिलना चाहिए। और प्लस कि यहाँ मनरेगा से काम, कोई भी काम, कृषि कार्य तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जमीन ही नहीं है विस्थापित क्षेत्र होने के नाते। तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को, मेरे एरिया में जैसे गली नाली रोड है तो मनरेगा से कम मुर्मीकरण का डिमांड करते हैं, कि उससे कम से कम, पहले चलता था मनरेगा से कि मुर्मीकरण वाला काम भी होता था सड़क का, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हमको रोड उड का बनाना है जो जो कि कच्चा है एकदम, चलने लायक भी नहीं, तो कम से कम उसमें मुर्मीकरण हो सकता है। अच्छा, लॉकडाउन में आपकी क्या स्थिति थी? जिस तरह से लॉकडाउन का आप देख सकते हैं कि देश दुनिया सब लोग परेशान थे, तो इस दौरान आपका क्या योगदान रहा अपने पंचायत के क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए? इसमें मेरे द्वारा कुछ ऐसे राशन पानी का व्यवस्था हम अपने तरफ से कुछ कर दिए थे, हालांकि वो तो सब सरकार के द्वारा किया गया सरकार के था। द्वारा भी हुआ, कुछ अपने तरफ से भी हुआ, और उसमें और क्या मेरा तो वैसा कोई खास बस योगदान कोई नहीं, वैसा योगदान नहीं, नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत कर दिए जो मेरे तरफ से हुआ। मतलब जो हाँ जो होने लायक था वो जी आपने जी काम किया। जी जी वैसा हमने अच्छा, किया। चूंकि अब चुनाव अति शीघ्र आने वाला है, जी जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर खान, आलमगीर आलम हैं, जी उनसे हमारी बातचीत थी, तो उन्होंने कहा कि अति शीघ्र जो है पंचायत चुनाव को लेकर हम लोग अति आचार संहिता लागू करेंगे। जी जो सरकार की तैयारी है वो पूर्ण हो चुकी है, अब निर्वाचन आयोग को देखना है कि इसका कैसे कर सकते हैं। तो आपकी आगे की क्या तैयारी है, क्या मैनिफेस्टो है? आप फिर से जनता के बीच जाएंगे तो क्या कुछ आपकी योजना है? तो आपने सोचा होगा ना कि अगर जनता हमें दोबारा से मौके देती है तो मैं ये विकास का काम करूंगा, क्या कुछ है आपका मैनिफेस्टो? जी हाँ, वही अभी तो बोले वही विस्थापित वाला मामला, जिसको कि मालिकाना हक एक मिलना चाहिए, अगर दोबारा हम मुखिया बनते हैं तो फिर मेरे द्वारा जितने भी मतलब बिजली विभाग से भी मेरा ये है कि वहाँ पोल उल बिजली इस एरिया में मेरा बिल्कुल ही नहीं है, बिजली नहीं है। नए बिजली का खंभा भी नहीं है, और नए नए मतलब नया बस गया है कुछ, तो आबादी थोड़ा यहाँ बढ़ गया है और घर और भी परिवार भी बढ़ गए हैं, तो उसके लिए भी मतलब हम सोच रहे हैं कि पूरा थोड़ा बिजली उजली का व्यवस्था कराएं। जी, और मेनली है मेरा कि रोड नाली, यहाँ रोड नाली का बड़ी दिक्कत है, तो वो जैसे अगर मेरे द्वारा जो होता है, मान लीजिए हमको तो 15 फाइनेंस से कुछ रोड 200-250 के फीट ही हम बना पाते हैं, तो कुछ ऐसे रोड है जो लंबा चौड़ा है उसको हम एक बार में नहीं बना पाएंगे, तो उसके लिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि कम से कम मनरेगा के द्वारा जो काम होता है मुर्मीकरण वाला बिल्कुल बंद कर दिया गया, तो वो काम अगर मिल जाए तो कुछ हद तक हम विकास कार्य को आगे ले जा सकते हैं। मतलब झारखंड सरकार से कोशिश करते हैं कि जी देखिए, जो फंड आता है उसे तो पूर्ण नहीं होता है, जी लेकिन कोई ऐसा जो है, चाहे विधायक हो, एमपी हो, एमएलए, फंड से जी कुछ विशेष पैकेज मिले, ताकि जो सड़कों का जीवनाधार जो है आपके द्वारा जो है 200-250 मतलब कम से कम उसको थोड़ा बढ़ा उससे लंबा होता है, दें। तो वो आप डिमांड करते हैं। जी, अगर नहीं बना पाते एक साथ में अच्छा एक बार में, तो लोगों का मांग रहता है कि आधा दूर क्यों बनाए रोड, तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि कुछ हद तक अगर अच्छा, हम आपकी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ के लोग किस चीज़ से परेशान रहते हैं? बस वही जमीन वाला मसला है सर। जमीन वाला जी, जमीन का मसला है, और मतलब जैसे अभी आवास मिल रहा है तो जैसे 10 डिसमिल जमीन है सबके पास, तो मान लीजिए किसी के घर में 5 आदमी है, तो 5 आदमी उनको डिवाइड कर दीजिए 10 जगह 10 डिसमिल को, तो 2 ही डिसमिल के आसपास हो रहा है। जी, तो इससे तो पूर्ति नहीं होगी। वैसे में कभी आवास भी मिलता है तो लोगों का कहना है कि हम कहाँ बनाएंगे, तो शहरी क्षेत्र में तो ऊपर पिलर्स उठा लेते हैं, अगर यहाँ बनाते हैं तो ये बोला जाता है कि नहीं, तब तो आप आवास लेने के लायक नहीं है, जबकि यहाँ है उस लायक लोग। अच्छा जी, तो ज़मीन का कमी है यहाँ। अच्छा जमीन की कमी। जी, ज़मीन का कमी होने के कारण हम बोल रहे हैं कि मतलब अगला को उतना भी करने का ये दिया जाए। अधिकार दिया जी जाए। जी तो आपने सुना कि जिस तरह से नीलम जी हैं, इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से गैर मजरूआ मालिक जमीन के लिए लोग आवेदन करते हैं, कुछ लोगों को मिला है और आगे मैं चाहता हूँ कि उनको भी मिले, जिस तरह से 10 डिसमिल जमीन मिलता है, तो
अब इसमें मान लीजिए कि 5 लोग हैं तो 2-2 डिसमिल में तो संभव नहीं है, बहरहाल और बेहतर मिले। जी जी, और आंगनबाड़ी सेंटर, आंगनबाड़ी, हाँ आंगनबाड़ी सेंटर जितने भी हैं मेरा, मतलब जमीन के अभाव में किसी का मतलब भवन नहीं बना है। जैसे 7 आंगनबाड़ी है तो 7 आंगनबाड़ी रेंट पे चलता है। अच्छा, तो अगर उसके लिए अगर अतिरिक्त कोई जमीन कहीं पे मिल जाए तो उनके लिए बनाया जा सकता है, तो वो सब भी एक मेरे तरफ से मांग है सरकार को, अगर है जमीन कहीं वैसा तो उपलब्ध करा दिया जाए। सरकार जैसे रेंट में चलता है तो कभी कोई होता है मेरा घर खाली करो तो लोग परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए भी है। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा, हालांकि मैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी हैं उनसे मैं बात करूंगा और उनसे डिमांड करूंगा कि जिस तरह से पंचायत के लोग जो आंगनबाड़ी केंद्र, हालांकि आंगनबाड़ी केंद्र का एक अपना होता है सरकारी ज़मीन होता है, अगर ये प्राइवेट में चल रहा है, अगर झारखंड सरकार अगर वो ज़मीन मुहैया कराती है वहाँ पे भवन बनवाती है तो आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ पे बेहतर से बेहतर हो सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्होंने ऐतिहासिक रूप में इनका काम यह है कि गैर मजरुआ जो मालिक है उनको ज़मीन दिलाना, ये इनके लिए ऐतिहासिक है, मालिकाना हक मिलना चाहिए, हमको पावर मिलना चाहिए, अपना अधिकार उसमें अधिकार मिलना चाहिए जी। और सबसे महत्वपूर्ण कि आपने सुना कि जिस तरह से चूँकि महिला हैं और महिला बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में अगर होता है तो लोग उससे जुड़ करके लघु कुटीर उद्योग वगैरह भी सब वहाँ से या जीविका के द्वारा जो है सब कुछ ये लोग अपना आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कहने का मतलब कि मनरेगा से मेरा काम नहीं होता है, तो अगर मनरेगा से कुछ काम यहाँ मिल जाए पंचायत में तो लोगों को मतलब काम रोजगार भी मिल जाएगा। हाँ। जी, तो जो कार्ड बना है सो कार्ड बना का बना रह जाता है, सिर्फ आवास में लोग मतलब लेबर का काम कर पाते हैं। अब तो ये भी हो गया ना कि ई श्रम कार्ड बन गया है, तो अगर लोग काम करेंगे तो उनको डायरेक्ट पैसा उसके फंड में आएगा। हाँ, वो तो ठीक है, सरकार का ये जो ही है नियम। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये अपने पंचायत के लिए जितने भी सोच रखे हैं, इनका सोच बहुत ही अच्छा है और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री, उनसे मैं बात करूंगा और आगे की क्या रणनीति है तमाम मुद्दों पे मैं बात की। जो बाकी योजना जो इस कार्यकाल में नहीं पूरा हो पाया उसको पूरा करेंगे हम लोग, अगर अगले बार चुनाव में जीत के अगर ये आती है, चुनाव तो खैर यही लड़ती है, इसका सहयोग हम सहयोग करते हैं, जैसे कहीं पर कोई भी काम हो उसमें सहयोग करते हैं। और एक बात जो ये बोली, चूँकि ये HSC जो हम लोग को पुनर्वास करके HSC द्वारा जो 10 डिसमिल जमीन दिया है उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए, चूँकि जब से HSC पुनर्वास किया है आप समझिए कि 50-60 साल होने जा रहा है और अभी तक जो पुनर्वास जो सारा अपना जमीन दे दिया उसको आज तक 10 डिसमिल जमीन का मान ये मालिकाना हक नहीं मिला है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस एक तरह से बहुत ही गंभीर स्थिति से सबको गुजरना पड़ता है, चाहे अगर उस जमीन से चाहे बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए अगर लोन लेना चाहे तो चूँकि जमीन का कुछ वैसा रहेगा नहीं तो लोन भी नहीं मिल सकता है, वो बहुत तरह मामला है। इसलिए मैं तो खास करके सरकार से आग्रह करता हूं और हमारे जितने ग्रामीण हैं उनका भी कहना है कि कोई भी किसी भी प्रकार से इसको माने मालिकाना हक मिले, जो कि आने वाला समय में उन जो अभी तो तत्काल में वो है ही है लेकिन जो उनका बाल बच्चा या जो है बाद में आने वाला जी जी उनके लिए सेफ हो जाए। हाँ। नाम मेरा नाम हुआ यूनुस अंसारी जी, ये टुंडलू 3 पंचायत प्रखंड नगरी। और मेरा और एक सवाल है सर, सरकार से एक और आग्रह है, मेरे पंचायत में मतलब कि अभी तो लगभग 450-400 के आसपास प्रधानमंत्री आवास मिला है, लेकिन बहुत ऐसे योग्य लोग हैं जिनको अभी तक उनका प्रधानमंत्री आवास में नाम ही नहीं जोड़ा गया है, तो उनको मैं मतलब विनती करती हूँ कि मतलब वो वाला लिंक भी खोल दिया जाए ताकि उन लोग का नाम जुड़ सके जी। उन लोग का बहुत मतलब स्थिति बहुत खराब है, ऐसे ऐसे घर हैं जो एक दो रूम कोई मिट्टी का घर में बरसात के दिन में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो उन लोग का नाम ही नहीं है जिसके कारण हम नहीं दे पा रहे हैं उनको। हम लोग बार बार आते हैं कि हमको आवास दीजिए और हम दे नहीं पा रहे हैं, सिर्फ वह आश्वासन दे के रखे हुए हैं कि नाम जुड़ेगा और आप लोग का आएगा। बस ये डिमांड है कि अगर वैसा हो जाए तो नाम जोड़ने का जो ये होता है प्रोसेस वो कर देते। ठीक।
तो अगले बार हो सकता है 5 साल मिल जाएगा, अगर मेरे हाथ में आती है तो हम दोबारा प्रयास करेंगे। किसी का भी काम तो कोई भी करेगा जी, चाहे ये मुखिया रही काम करे या फिर इसके बाद कोई भी आए, लेकिन उनका जो जरूरियात है जैसे आवास है या जो जिनका पेंशन वगैरह नहीं बना है उस लायक है तो उनका बनना चाहिए। करो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से भी जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।